अपने हिफ्ज़े इमान में रखे, आमीन। सो आज हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए, बिकॉज ईद इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर नाउ। सो लेट्स हैव फन एंड शॉप विद मी। बच्चों को हम लोगों ने स्कूल से पिक किया और हमने कहा कि ये बेस्ट टाइम है बच्चों को साथ लेके हम लोग शॉपिंग करने चले जाएं। कुछ बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो तब और भी काफ़ी सारे घर के काम होते हैं जिनको हम लोगों ने कंप्लीट करना होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि बच्चे भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं शॉपिंग को, और बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तंग नहीं करते, काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह, इस चीज़ के अंदर काफ़ी ऑबिडियंट हैं। सो उनको साथ लिया और हम लोगों ने उनके लिए थोड़ा सा खाना पिक किया और उनको साथ लेके हम लोग शॉपिंग पे चले गए। और इतने ज़बरदस्त क्लॉथ्स थे जब हम लोग इस बुटीक पे आए हैं, वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम इस बुटीक पे इतने ज़बरदस्त क्लॉथ्स देखे हैं, सॉरी टू से, बट यहाँ पे काफ़ी नाइस इस बार क्लॉथ्स आए हुए थे और ज्वेलरी भी बहुत ज़बरदस्त आई हुई थी। ज्वेलरी देख के तो दिल करता है बस आप सारी ले लो, और कोई फंक्शन पे यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन देख के बहुत दिल करता है ऐसी चीज़ों का। पर देश का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि आपके जितने भी ब्राइडल क्लॉथ्स हैं या जितने भी फॉर्मल क्लॉथ्स हैं वो जस्ट आप वन और टू टाइम्स यूज़ होते हैं, अदरवाइज आपके वो पड़े रहते हैं सूटकेसेस के अंदर, और फिर उसका एंड ये होता है कि आपको वो चैरिटी करने पड़ते हैं या फिर पाकिस्तान में किसी को भी भेज दें। मेरे तो हमेशा इसी तरह हुआ है कि मैं जस्ट कोई भी कपड़े लेती हूँ ऐसे, जो स्पेशली जो फॉर्मल कपड़े हैं, तो उनको एक या दो दफ़ा पहन के वो बस मैं भेज देती हूँ पाकिस्तान। सो ये आप देख सकते हैं इतने नाइस कपड़े थे मुझे इस दफ़ा यहाँ पे लगे, बच्चों के इतने प्यारे कपड़े हैं कि देख के बस वो दिल कर रहा था कि ले लें, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे बच्चों के जो क्लॉथ्स थे, वो मे भी थोड़े हैवी एम्ब्रॉयडर्ड थे इस वजह से, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड चल रहा है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चों के लिए इतने हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े जो हैं वो कैरी नहीं कर सकते ईजिली, तो बच्चों के लिए थोड़े से लाइट वेट से होने चाहिए। तो मैं हुरैन के लिए चूज़ कर रही थी कि मुझे हुरैन के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस मिल जाए ईद का, क्योंकि उसको इतना शौक है ये देसी कपड़ों का, ये जो हमारे ट्रेडिशनल क्लॉथ्स होते हैं उसको बहुत दिल करता है कि वो शलवार कमीज़ पहने। तो उसके मैंने यहाँ से कुछ बाय किए, तो हमारे जब भी कोई ऐसे ओकेजन्स होते हैं कि हम अफ्तारी पर जाते हैं तो मैं उसको ज़रूर पहनाती हूँ शलवार कमीज़, तो बड़ी उसके अच्छी भी लगती है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा कैरी करती है कपड़ों को मेरी तरह। सो आप यहाँ पे देखें कपड़े इतने नाइस हैं, दिल कर रहा था सारे ही कपड़े बाय कर लें, लेकिन फिर जब दिल कर रहा था बाय करने को तो फिर वो माइंड में आती थी बात कि पड़े रहने हैं एक दो बार पहन के, तो क्यों मैंने उनको अपनी अलमारी की जीनत बनाना है, तो मैं क्यों अपने मनी वेस्ट करूँ इसके ऊपर। बकिया बाय करूँगी इंशाल्लाह, एक जो भी मुझे बहुत फर्स्ट टाइम में क्लिक किया तो वो ज़रूर बाय करूँगी। ये ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, आजकल मेरा टर्मरिक कलर का इतना दिल कर रहा है, बस दिल कर रहा है कि मैं एक कोई खूबसूरत सा टर्मरिक कलर का जो ड्रेस है ना वो लूँ ईद के लिए। वेल इस बार हम लोग ईद तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ की रिसेंटली डेथ हुई है, सो उनकी डेथ के बाद ये फर्स्ट ईद है, सो हम लोग इस बार ये जो हमारी ईद उल फितर है इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे। बट यार बच्चे तो ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता है बच्चों के लिए तो यही जो ओकेजन होते हैं उनमें उन्होंने इंजॉय करना होता है। सो हुरैन के लिए मैं ज़रूर बाय करूँगी और वो ईद पर रेडी भी होगी, और इंशाल्लाह उसको ड्रेसअप भी करूँगी मैं ईद पे। बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मेरी मदर इन लॉ को, और उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, और जिनके भी पेरेंट्स की डेथ हुई है इस बार अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सो यहाँ पे हम लोग अगेन कपड़े देख रहे हैं, अगेन हमें बहुत ही नाइस कपड़े यहाँ पे नज़र आए, तो दिल कर रहा था ये वाले भी बाय करें, बिकॉज ये कलर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा पीची पिंक सा है, बट मुझे जो ओरिजिनल पीच पिंक है, ऑरेंज पीच, मुझे वो बहुत मेरा फेवरेट कलर है वो। ये भी बहुत नाइस लग रहा था वाइट में,
मुझे व्हाइट कलर भी बहुत अट्रैक्ट करता है, आपको पता है जो पेस्टल कलर्स हैं वो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए। यहाँ पे समर तो आ गया बट यहाँ का समर यूके का इसी टाइप का है कि बाहर इतनी सर्दी होती है, अभी स्टिल हम हीटिंग ऑन कर रहे हैं घर में, सो मे बी नेक्स्ट मंथ जो है वो प्रॉपर समर आ जाए। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही थी कि थोड़ा मैं कोई कॉटन वगैरह का ले लूँ बजाय इसके कि मैं कोई लॉन का लूँ, क्योंकि लॉन यहाँ पे वाकई इतनी नहीं डलती है यूके में, यहाँ का वेदर इतना अनप्रडिक्टेबल सा है। सो ये आप देखें इतने नाइस ये वाले कपड़े थे और इतने चीप लगे हुए हैं ये वाले कपड़े, मुझे बड़े अच्छे लगे ये ना, उनके ऊपर काम भी कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ है, सारा तिले के धागे का, तो बड़े ज़बरदस्त मुझे ये वाले ड्रेसेस लग रहे थे। और ये भी बहुत नाइस ड्रेस था, ये भी आप सेमी फॉर्मल सा ड्रेस है, आप किसी के घर भी पहन के जा सकते हैं इफ्तारी वगैरह पे, या वैसे आप ओकेजनली पहन सकते हैं। सो होप आप भी मेरे साथ ये विंटर शॉपिंग इंजॉय कर रहे हो, आपको बहुत से आइडियाज मिल जाते हैं जब आप ऐसे कपड़े देखते हैं कि हम ईद पे कैसी ड्रेसिंग कर सकते हैं और क्या मार्केट में वैरायटी आई हुई है। बच्चों के भी बहुत ही नाइस कपड़े यहाँ पे आए हुए थे। ये काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं, मुझे इतने ज़्यादा ब्राइट कलर्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो काफ़ी मैं देखी थी इतने ज़्यादा ड्रेसेस थे कि समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा बाय किया जाए, कौन सा छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सो देखते हैं कौन सा किसके ऊपर मतलब फर्स्ट क्लिक होता है और उसको बाय करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वही चीज़ लेना पसंद करती हूँ जिसको बस देखते ही मैं कहूँ कि यस ये चीज़ ये लेनी है मैंने, तो दोबारा मतलब मैं सोचूं ना कि मैंने ये नहीं लेना है। इस टाइप के कपड़े अगर नज़र आए तो ज़रूर मैं बाय कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं हुरैन के लिए देख रही हूँ, हुरैन के लिए बस कोई ऐसे ही कपड़े देखती हूँ कि जो वो बस बहुत इजीली कैरी कर सकें, और जिस रूम में मैं जा रही थी मुझे इतने नाइस कपड़े नज़र आ रहे थे कि मैं बस दिल कर रहा था कि मैं सारी ही बुटीक उठा लूँ यहाँ से, क्योंकि इतने प्यारे कलर ब्राइट कलर्स भी इतने नाइस लग रहे थे, उनके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी स्पेशली जो उनका स्टफ था वो बहुत अच्छा था। तो कम ही ऐसे कपड़े वैसे मार्केट में आते हैं, बट इस बार काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है, होप आपको भी ये अच्छे लग रहे हों सारे कपड़े। और यहाँ हम आ गए हैं एमलिया खजूर पे, सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी यहाँ पे कैसी वैरायटी आई है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम तो यहाँ की वैरायटी बहुत ही कमाल की थी, सो लेट्स चेक इनसाइड कि इस बार कैसी वैरायटी है। यहाँ पे मुझे कोई इतनी स्पेशल वैरायटी नहीं नज़र आई,
क्योंकि लास्ट टाइम तो यहाँ पे इतनी आउट क्लास ड्रेसेस थे कि बहुत ही ज़बरदस्त लास्ट टाइम थे यहाँ पे, कि मैंने यहीं से बाय किया था लास्ट टाइम। पर इस बार मुझे यहाँ पे ना तो ज्वेलरी इतनी अच्छी लगी और ना ही मुझे यहाँ पे ड्रेसेस इतने नाइस लगे। मैंने ज्वेलरी भी लास्ट टाइम यहीं से बाय की थी क्योंकि इतने अच्छे सारे यहाँ पे न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन थे सारी चीज़ों के, बट इस बार मुझे लग रहा था कि सारे वही पुराने वाले हैं, कुछ भी मुझे न्यू नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पे। ये सारा यहाँ पे ब्राइडल एरिया स्टार्ट हो जाता है इनका, सारा ये ब्राइडल सेक्शन है। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही वॉल्यूम सारे लहंगे और मेहंदी के सारे ड्रेसेस थे। ये सारा मेहंदी का है और बारात का, इससे पहले मैं आपको शो कर चुकी हूँ। बहुत ही प्यारे यहाँ पे सारे मेहंदी के ड्रेसेस थे, आप लाइक थीम्ड ड्रेसेस थे मेहंदी के, जिसमें सारे कुछ तो येलो थे और कुछ इसमें पिंक भी थे और कुछ मल्टी भी थे, बहुत नाइस लग रहे थे ये सारे। आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था। होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, आपने इंजॉय किया हो मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ न्यू चीजों के साथ मैं मिलूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ईद की दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।